हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में फाइल एंड फोल्डर एक्सेस ऑडिट पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ऑडिट पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग फाइल एंड फोल्डर एक्सेस ऑडिटिंग पॉलिसी क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने यहां पर स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं और नेटवर्क की इस मशीन पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है और बाकी सभी मशीन को मैंने मलिक डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड की हुई है और डीसी मशीन पर ही मैंने एचआर डेटा के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इस फोल्डर को मैंने नेटवर्क यूजर्स के लिए शेयर किया हुआ है। अब इस शेयर डॉक्यूमेंट को सभी यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस एचआर डेटा नाम की शेयर डॉक्यूमेंट में सब डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें एडिट मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि डीसी मशीन पर जो ये एचआर डेटा नाम का शेयर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, मैं इस पर मॉनिटरिंग करना चाहता हूं कि इस शेयर डॉक्यूमेंट को कौन कौन यूजर अपनी मशीन पर एक्सेस कर रहे हैं, कौन कौन यूजर इस शेयर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके इसमें शेयर डॉक्यूमेंट सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहे हैं, फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन फाइल के अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन कौन कौन यूजर कर रहा है, कौन कौन उन सब डायरेक्टरीज को डिलीट कर रहा है, फाइल्स को डिलीट कर रहा है। यानी कि अगर आप किसी भी शेयर डॉक्यूमेंट पर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं या ऑडिट करना चाहते हैं कि इस शेयर डॉक्यूमेंट को कौन कौन यूजर एक्सेस कर रहा है, एडिट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इस पर्पस के लिए हम लोग किसी भी फोल्डर पर फाइल एंड फोल्डर एक्सेस ऑडिट पॉलिसी इनेबल करते हैं ताकि हम लोग किसी भी शेयर डॉक्यूमेंट को मॉनिटर कर सके या ऑडिट कर सके। अब इसी फाइल एंड एक्सेस ऑडिट पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं आपको अपनी मशीन पे लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने दो वर्चुअल मशीन यूज की हुई है। एक है डीसी के नाम से, जिस पर मैंने ऑलरेडी malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है, और एक है क्लाइंट वन के नाम से, जिस पर मैंने ऑलरेडी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और इस क्लाइंट मशीन को मैंने डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड की हुई है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑडिट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए आप सबसे पहले डीसी मशीन पे जाएंगे और डीसी मशीन पर आप आकर आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में जाना है और यहां पर देखिए मैंने यूजर्स ओयू में प्रीत और सनी नाम से दो यूजर क्रिएट किए हुए हैं और इन दोनों यूजर्स को मैंने एचआर ग्रुप में ऐड कराया हुआ है ऑलरेडी, और प्रीत यूजर को ही मैंने इधर क्लाइंट वन मशीन पर लॉगिन किया हुआ है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। देन इतना करने के बाद आप यहां पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे और यहां पर किसी भी ड्राइव में जाकर आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे। जैसे कि मैं यहां पर एक एचआर डेटा के नाम से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, एक सेकेंड जरा, एचआर डेटा के नाम से मैंने इधर एक फोल्डर क्रिएट किया जिस पर मैं ऑडिट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। अब इस फोल्डर को हम लोग नेटवर्क यूजर्स के लिए शेयर करेंगे। प्रॉपर्टीज में जाइएगा, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, शेयरिंग टैब में जाइए, देन एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस टैब में जाकर जो भी आपको परमिशन देनी है अप्लाई, देन ओके, अगेन अप्लाई, ओके। तो यहां पर हमने एचआर डेटा नाम की डायरेक्टरी जो है वो नेटवर्क यूजर्स के लिए शेयर किया। उसके बाद दोस्तों, शेयरिंग टैब के जस्ट बगल में आएगा सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब में जाकर यहां पर एक ऑप्शन आएगा एडवांस ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। एडवांस ऑप्शन में आकर सबसे पहले यहां पर आप
डिसेबल इनहेरिटेंस पे क्लिक कीजिएगा, देन कन्वर्ट इनहेरिटेंस परमिशन। इसके बाद यहां पर देखिए दो आपको यूजर्स ग्रुप मिलेंगे, इन दोनों यूजर्स को आप वन बाय वन रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद देन आप एड पे क्लिक कीजिएगा, देन क्लिक ऑन सेलेक्ट अ प्रिंसिपल, और यहां से आप उस ग्रुप को ऐड कराइए जिस ग्रुप में आपने प्रीत और सनी यूजर को ऐड कराया हुआ है। चेक नेम पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर नेम सर्च हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं एचआर ग्रुप सेलेक्ट हो गया है। देन आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे दिस फोल्डर ओनली, ठीक है, और यहां पर आप शो एडवांस परमिशंस पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट फोल्डर एंड अपेंड डेटा पे आप चेक मार्क करेंगे। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब देखो यहीं पर दोस्तों एक अनदर टैब मिलेगा, ऑडिटिंग टैब, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई भी आपको एंट्री डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब एड पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर अगेन सेलेक्ट अ प्रिंसिपल पे क्लिक कीजिए, अगेन यहां पर आप एचआर ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए। ओके, टाइप फेल अटेम्प्ट को आप ऑडिट करना चाहते हैं या सक्सेस अटेम्प्ट को आप ऑडिट करना चाहते हैं या ऑल, ऑल के अंदर फेलियर और सक्सेस दोनों अटेम्प्ट आपको शो होंगे। देन अप्लाई टू दिस फोल्डर सब फोल्डर्स एंड फाइल पे को सिलेक्ट करेंगे, शो एडवांस परमिशंस पे क्लिक करेंगे और यहां पर बाय डिफॉल्ट जिस पर भी चेक मार्क लगा हुआ है उसको आप अनचेक कीजिए। अब देखो आप ऑडिट क्या क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं अगर कोई भी यूजर एचआर डेटा फोल्डर में कोई भी फाइल क्रिएट करता है और उस फाइल में डेटा ऐड करता है, कोई भी फोल्डर क्रिएट करता है या उसमें डेटा अपेंड करता है या फिर डिलीट करता है या फिर सब फोल्डर्स एंड फाइल्स को डिलीट करता है, यानी कि अगर कोई भी क्रिएट कर किया जाता है फाइल्स एंड डायरेक्टरी या फिर कोई भी फाइल एंड डायरेक्टरी डिलीट की जाती है तो मेरे को ऑडिटिंग करना है। ओके, अप्लाई एंड ओके पर आप क्लिक कीजिए, अगेन आप क्लोज पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने अभी एचआर डेटा डायरेक्टरी शेयर की नेटवर्क यूजर्स के लिए विद ऑडिटिंग। दोस्तों इतना करने के बाद अब यहां पर हम लोग ऑडिटिंग से रिलेटेड पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे। पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए आप टूल्स ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन कीजिएगा, देन फॉरेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन्स को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन नेम को एक्सपेंड कीजिए। डोमेन नेम को एक्सपेंड करने के बाद इधर आपको मिलेगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा न्यू, और यहां पर आप कोई भी जीपीओ क्रिएट करेंगे किसी भी नेम से, जैसे कि मैं यहां पर फोल्डर एक्सेस ऑडिट जीपीओ, फोल्डर एक्सेस ऑडिट जीपीओ के नाम से मैं एक जीपीओ क्रिएट कर रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जीपीओ जो है वो क्रिएट हो चुका है, देन आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा एंड एडिट, तो यहां पर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर कंसोल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहां पर आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज को एक्सपेंड करेंगे, विंडोज सेटिंग को एक्सपेंड करेंगे, देन सिक्योरिटी सेटिंग को एक्सपेंड करेंगे, और इधर आपको मिलेगा लोकल पॉलिसी और इधर मिलेगा आपको ऑडिट पॉलिसी। ऑडिट पॉलिसी में इधर मिलेगा आपको ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, देन आप डिफाइन दीज पॉलिसी सेटिंग पे चेक मार्क करेंगे, एक्सेस एंड फेलियर दोनों टाइप के अटेम्प्ट को आप मॉनिटर करना चाहते, तो यहां पर ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रॉपर्टीज में जाकर आपको सक्सेस एंड फेलियर दोनों टाइप के अटेम्प्ट पे चेक मार्क करना है, देन अप्लाई ओके पर आप क्लिक करेंगे।
इतना करने के बाद यानी कि ये पॉलिसी कंफिगर करने के बाद दोस्तों अब आप यहां पर देखिए एक अनदर ऑप्शन मिलेगा एडवांस ऑडिट पॉलिसी कॉन्फिगरेशन। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे देन ऑडिट पॉलिसी को एक्सपेंड करेंगे और यहां पर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट एक्सेस। ऑब्जेक्ट एक्सेस को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इधर आपको मिलेगा ऑडिट फाइल सिस्टम, इस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट ये भी नॉट कॉन्फ़िगर्ड होता है तो अगेन आप इस पे कॉन्फ़िगर पे चेक मार्क करेंगे और यहां पर भी आपको सक्सेस एंड फेलियर इवेंट्स पे चेक मार्क करना है और चाहे तो आप एक्सप्लेन टैब में जाकर इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में रीड आउट भी कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक कीजिए, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर पहले नॉट कॉन्फ़िगर ऑप्शन आया हुआ था अब इधर सक्सेस एंड फेलियर आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया है। देन आप क्लोज पे क्लिक करेंगे और अब दोस्तों हम लोग ये जो हमने अभी जीपीओ कॉन्फ़िगर किया है फोल्डर एक्सेस ऑडिट पॉलिसी, अब हम लोग इस जीपीओ को डोमेन कंट्रोलर्स ओयू के साथ लिंक करेंगे। तो उसके लिए आप डोमेन कंट्रोलर्स ओयू पर आप राइट क्लिक करेंगे, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ पे आप क्लिक कीजिए और यहां से अपना जीपीओ सिलेक्ट कीजिए देन ओके। तो यहां पर हमने फोल्डर एक्सेस ऑडिट जीपीओ को डोमेन कंट्रोलर्स ओयू के साथ लिंक किया, आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। इतना करने के बाद अब दोस्तों हम लोग ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करेंगे ताकि उसके अंदर हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो सके मशीन के साथ। उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं जीपी अपडेट स्पेस लेस फोर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपडेटिंग पॉलिसी ऑप्शन आ रहा है यानी कि पॉलिसी जो है वो अपडेट हो रहा है और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहां पर आप एक बार करें चाहे मल्टीपल बार करें, एक बात वही है तो मल्टीपल टाइम करें चाहे वन टाइम करें, बात एक ही है जीपी अपडेट स्पेस लेस फोर्स। तो इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारा पॉलिसी जो है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया है। दोस्तों पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के बाद अब आप यहां पर इवेंट व्यूअर ओपन कीजिए डीसी मशीन पर टूल्स और इधर आपको मिलेगा इवेंट व्यूअर, ये आप देखिए जरा इवेंट व्यूअर पर क्लिक कीजिएगा, इसको आप मैक्सिमाइज कीजिए। देखो यहां पर आपको इवेंट व्यूअर में विंडोज लॉग्स मिलेगा, इसको एक्सपेंड कीजिएगा देन सिक्योरिटी लॉग्स में जाइएगा। अभी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट इवेंट जो जनरेट हुआ है वो यहां पर जनरेट हुआ है किस टाइम पर 553 पर और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं 3863 नंबर ऑफ इवेंट्स इतना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट मशीन पे चलते हैं, क्लाइंट मशीन पे जाकर अब देखिए यहां पर मैं शेयर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता हूं, शेयर डॉक्यूमेंट है हमारा 100.1 वाली मशीन पर और कौन सा शेयर डॉक्यूमेंट है वो है एचआर डेटा के नाम से। यहां पर आप देख सकते हैं आपने एक्सेस किया, अब किस यूजर के द्वारा आपने किया है ये है प्रीति यूजर। अब मैं यहां पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूं न्यू फोल्डर के नाम से, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई इवेंट जनरेट हुआ है डीसी मशीन पर या नहीं। अगेन आप डीसी मशीन पे जाइएगा, अब आप यहां पर देख सकते हैं पहले जो इवेंट्स अवेलेबल थे वो थे 3863 न्यू इवेंट्स अवेलेबल, ठीक है, यानी कि नया इवेंट अवेलेबल हुआ है। जस्ट आप रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर देखिए एक नया इवेंट जनरेट हुआ है 534 पर, डबल क्लिक कीजिएगा इसको रीड करने के बाद और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नया इवेंट जनरेट हुआ है प्रीत यूजर के द्वारा। यहां पर आप इसे थोड़ा सा डाउन कीजिएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीत यूजर ने
एचआर डेटा में एक न्यू फोल्डर के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। और भी ज्यादा आपको डिटेल देखना है तो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमने अभी क्लाइंट मशीन पर प्रीत यूजर के द्वारा लॉगिन होके एचआर डेटा को हमने वहां पर एक्सेस किया जो कि शेयर डॉक्यूमेंट है, और वहां पर हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। देन क्लोज पे क्लिक कीजिएगा। अब इवेंट कितने हो गए हैं, 3864। अगेन हम लोग क्लाइंट मशीन पे चलते हैं जरा। अब इस न्यू फोल्डर में मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं, और इसमें मैं कुछ डेटा ऐड करता हूं। देन आप सेव कीजिएगा। जरा चेक करते हैं, अगेन डीसी मशीन पे चेक करते हैं, एक सेकेंड जरा। अब देख सकते हैं अगेन न्यू इवेंट्स अवेलेबल। अगेन आप रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए अगेन यहां पर अब कितना इवेंट्स हो गए हैं, 3867। अब यहां पर यहां से अभी आप देख सकते हैं अगेन प्रीत यूजर के लिए ही ये इवेंट जनरेट हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमने सब डायरेक्टरी क्रिएट की थी न्यू फोल्डर के नाम से, उसमें एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया जो कि टीएक्सटी फाइल है, पूरी डिटेल यहां पर आपको दिखाई देगी। देन नेक्स्ट चेक करें, और अगेन प्रीत यूजर के लिए इवेंट है ये भी, यहां पर भी आप देख सकते हैं अब इसमें डेटा अपेंड किया गया है जो मैंने हेलो लिखा था उधर, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि जो जो यूजर्स उस शेयर डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहा है उसी से रिलेटेड यहां पर इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं कि कौन कौन यूजर उस शेयर डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहा है, उस शेयर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के बाद कौन कौन यूजर सब डायरेक्टरीज फाइल्स और फाइल के अंदर कौन कौन डेटा अपेंड कर रहा है, कंप्लीट इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी शेयर डॉक्यूमेंट पर एक्सेस एंड ऑडिट पॉलिसी कंफिगर कर सकते हैं।